हेलो माय क्यूटीज एंड ब्यूटीज, हाय, कैसे हैं आप सब। मैं जा रही हूँ एक बार फिर से मेरे फ्रेंड के सिस्टर की शादी में। मेरी सारी फ्रेंड्स साड़ी पहन रही हैं, तो आई एम थिंकिंग कि मैं भी साड़ी पहनूं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग जो घूर घूर के देखते हैं तो नकाब पहन लेते हैं, बट कुछ गड़बड़ हो गया और नकाब मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहन रही हूँ कोई फंक्शन में जाने के लिए। ऐसे एक बार पहना है, सिर्फ वीडियो बनाया है, एंड लास्ट टाइम फेवन में पहना था। सो लेट्स गेट रेडी विद मी। मॉइस्चराइजिंग के बाद सबसे पहला स्टेप है प्राइमर एज यूजुअल, और मैं वंडर कर रही हूँ कि ये टिंटेड प्राइमर है सो ये ऑक्सीडाइज ना करे मेरे फाउंडेशन को। अप्लाइंग विद क्रॉस फिंगर्स। हाँ, सो अभी क्या हुआ था, मैंने दो चार स्टेप कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद पता चला कि कैमरा ऑफ है, सो ये बड़ा डिसगस्टिंग था। सो लेट्स डू अ क्विक हैक, जो कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अभी देख लो, एंड इसको और डिटेल में मैंने शॉर्ट्स चैनल पे अपलोड किया है, सो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इतना समझाने का टाइम नहीं मिला है, वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझाया। सेटिंग विद दिस पाउडर, एंड मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ किया है, क्योंकि लूज़ पाउडर काफ़ी ज़्यादा लूज़ एंड हल्का फुल्का होता है, सो ये काफ़ी ज़्यादा आपके एरियाज पे जमेगा नहीं। एंड अप्लाइंग फाउंडेशन, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, इतनी गंदी गर्मी में मैंने लगा लिया है एक नॉर्मल सा टिंटेड फाउंडेशन, जो कि बाद में मेरे मूस्टाश के पास से हट गया था, एंड बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था एट द सेम टाइम। सो आई थिंक आई शुड यूज़ वाटर प्रूफ फाउंडेशन, बट आई गेस जो मेरे पास मेबेलिन का सुपर स्टे वाटर प्रूफ फाउंडेशन था वो अभी ख़त्म हो चुका है। वॉट टू डू नाउ, आई थिंक आई हैव टू टेक अ वाटर प्रूफ फाउंडेशन। ओ यस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई अच्छा अफोर्डेबल फाउंडेशन जानते हो वाटर प्रूफ में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। गर्मी में तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप फाउंडेशन लगाओ ही ना, और यार ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि ऑनलाइन में आपको जो है गलत शेड का फाउंडेशन, गलत शेड की कंसीलर मिल जाते हैं, क्वाइट नॉर्मल। काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब गलत शेड मिलता है इट फील्स वेरी बैड, बट कोई बात नहीं, हम लोगों के पास ट्रिक्स है, टेक्निक है, अल्लाह ने माइंड दिया है, सो यूज़ करो एंड अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करो। बाय द वे, अंडर आइज काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है जस्ट बिकॉज वी डिड कंसीलिंग और करेक्टिंग, एंड क्योंकि ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं आजकल, आप नोटिस कर रहे हैं क्या, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। जो बाकी का मैंने कंसीलर मिक्स करके रखा हुआ था बचा हुआ है वो उसे मैं एज अ ब्राइटनिंग थिंग यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटेड पॉइंट्स पर लगा के, सो दैट मैं जो है वॉट जस्ट लगाते हैं इसलिए मैं लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं भूल गई थी, गड़बड़ हो गया था मेरे से क्या कहना है। लेट्स डू पाउडर, एंड आप देख सकते हैं इससे मेरे कोई फिंगरप्रिंट चोरी कर सकता है, एंड ये काफ़ी देखने में गंदा लग रहा है जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट से और ज़्यादा। भाई मैट फिनिश मुझे लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट्स को क्लीन नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे पास काम रहता है। ये तो बहाना है, यू गाइज ऑल नो कि ये बहाना है, टाइम तो मेरे पास बहुत है लेकिन इंस्टाग्राम पे ख़त्म हो जाते हैं सारे टाइम। इतना टाइम आप लोग मेकअप करने में लगाओ तो फिर क्या ही बात है, लेकिन आप वीडियो देखते हो मेकअप नहीं करते हो, ऐसे आप ऐसे ही उठ के चले जाते हो, है ना। और अगर आपको मेकअप में नहीं समझ में आता है कि क्या क्या आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं साइड में एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ, गो एंड चेक दैट आउट। आपको उतने ही प्रोडक्ट्स उसमें चाहिए, ब्रांड आप डिफर वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, बट आपको सामान इतना ही चाहिए एंड यू आर रेडी टू सेट अ ग्लैम अ फायर ऑन द स्टेज। सो फेस को थोड़ा एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब हाईलाइटिंग की बारी है, सो ऑल द हाईलाइटेड पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर हैं। वैसे बताना आपको डिटेल्ड वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर ओवरव्यू मैं दे दिया करूँ जस्ट। एंड यहाँ पे मेकअप फिक्सर आई एम यूजिंग बाय स्विस ब्यूटी, और आपको जो भी प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन चाहिए प्लीज़ चेक दैट आउट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्विस ब्यूटी की ही पेंसिल है क्योंकि ये अफोर्डेबल है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये मेरा साथ दे रही है, एंड आपको इसमें ज़्यादा स्किल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होती है एक बार में, काफ़ी क्रीमी नहीं है तो आपको थोड़ा हल्के हल्के करना पड़ता है। सो आपकी आईब्रोज अगर ज़्यादा हो जाती है तो यू लुक लाइक भूत, एंड हमको वो तो लगना नहीं है, वी हैव टू लुक ब्यूटीफुल, राइट। ओके, मूविंग ऑन आईज, यहाँ पे हम कलर दिखाना भूल गए लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये लाइट पिंक शेड है, एंड आप भी इसे देख सकते हैं कि ये लाइट पिंक शेड ही है, मैं आपको कुछ और नहीं बता रही। ओके, सो दोनों आईज पे कर लेंगे, बराबर से ब्लेंड कर लेंगे, टेक योर टाइम, जल्दी जल्दी में नहीं करना है, भले से मम्मी गाली देती रहे जैसे हम सुनते हैं आपको भी सुनना है, एंड अच्छे से ब्लेंड करना है। टेकिंग दैट ग्रीन शेड फ्रॉम द पैलेट, आई डोंट नो मैंने ग्रीन क्यों चूज़ कर लिया बट जो समझ में आया कर लिया। सेम पैलेट से मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया, देन ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट कर लिया। देखो भाई, हाईलाइटिंग तो अच्छे से करनी है,
चाहे भले से पड़ोस वाली आंटी और उनकी बेटी देख के चल जाए। ठीक है, आईलाइनर लगाना है, आई एम टेकिंग यहाँ पे लैक्मे का जेल आईलाइनर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जेल आईलाइनर पे आपका कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, बट यू हैव टू बी लिटिल स्किल्ड फॉर दिस जेल आईलाइनर। मैं यहाँ पे नॉर्मल सा आईलाइनर बना करने का कोशिश कर रही थी, ओ माय गॉड मेरे जबान को क्या क्या, नॉर्मल आईलाइनर बनाने का कोशिश कर रही थी, बट मैंने डबल विंग कर लिया। एक आंख में तो बहुत अच्छे से लग गया, दूसरी आंख में करने में मुझे 10 मिनट लग गए ऑनेस्टली। एंड यहाँ पे मैंने एक वाइट आईलाइनर अपनी सारी मिस्टेक्स को छुपाया है, एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईलैश ग्लू। देखो ये मेरे साथ क्या होता ही रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या अल्लाह ऐसे क्यों होता है। मैं यहाँ पे ग्लिटर आईलाइनर कर रही हूँ। फॉर वेरी फुल ट्यूटोरियल यू कैन चेक माय शॉर्ट्स चैनल अगेन, एंड आपको बहुत ही केयरफुल रहना है एंड बहुत ही अच्छे से करना है। सारा टिप मैं वहाँ पे आपको दे दूँगी, यू कैन फॉलो एंड डू ग्लिटर लाइनर एंड ग्लैम ऑन। ग्लिटर लाइनर मुझे आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। आई एम यूजिंग ब्लैक काजल इन हाफ, ब्राउन इन अदर हाफ वाटर लाइन। ओके मूविंग ऑन माई फेवरेट पार्ट, दैट इज मस्कारा। मस्कारा मैंने लगाया है यहाँ पे, वॉल्यूमाइजिंग वाला सेक्शन लगाया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी के, व्हाट इज द नेम, क्रेज डुबो मस्कारा। लिप लाइन क्या है, स्विस ब्यूटी के ही लिप लाइनर से। स्विस ब्यूटी है इतना अच्छा ब्रांड जहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाता है, राइट? यस। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे होंठ कुछ ज़्यादा ही कलरफुल है, पहले से उस पर कुछ कलर लगे हुए हैं, सो मैंने क्लीन कर लिया वेट वाइप से, एंड यूजिंग फेसेस कैनेडा की माई वेरी फेवरेट लिपस्टिक इन द शेड ट्रुथ टू बी टोल्ड 9। और इस तरह से मेरा होता है मेकअप कंप्लीट। स्प्रे कर लेते हैं एक और बार से, ये मैंने क्यों किया है ये भी मैं शॉर्ट्स में बताऊँगी, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, 10 बार नहीं बोलना मेरे को, ठीक है। सो मैं सारा कुछ करके यूँ आ गई, और मैंने इसको एक्सेसराइज किया है, फॉल्स लैशेस लगा लिया है, चूड़ी, मैंने टियारा भी लगाया है, एक वॉच पेयर कर ली है, और इसकी इयररिंग्स ना इस सेट की। तो इसको लाइक कर दो, कमेंट करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, एंड ये नेकलेस मैंने कहाँ से लिया ये मैं नहीं बताऊँगी अभी। लाइक करो, कमेंट करो कि आपको चाहिए इसका हॉल, तब मैं बताऊँगी आपको। सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर है मेरी कुछ और मेकअप ट्यूटोरियल्स, गो एंड चेक देम आउट, यू विल लव इट। टिल देन आप मेरी वीडियोज़ देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, बाय।